आपका जो मैथ्स का डर है ना, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर वो आज अगर आपको 80% डर लग रहा है तो वो आपको 20% लगेगा। बहुत सारा बच्चा ये कहता है लास्ट में जाकर के, सर मेरा हिंदी भी ठीक है, मैं सही कर लेता हूं, 16-17 ले आता हूं, 15 भी आ जाते हैं कभी कभी, और मेरी रीजनिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, 17-18 जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं जा रहा सर, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बेटा मैथ्स से अगर डर लग रहा है ना आपको, तो आप इतना काम कर लेना मेरे भाई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता किस चैप्टर से आते हैं, एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर, चैप्टर बता दूं अगर आप कह दो तो, एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर देना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। एवरेज को पक्का कर जाना, क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर आप नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हो तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये देखना। और आगे बता रहा हूं आपको, परसेंटेज पढ़ जाना, परसेंटेज। और आगे बता देता हूं, जो आसान चैप्टर जिनसे आप स्कोरिंग कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ जाना। और आगे देखिए बच्चों, आगे आपको इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, बहुत सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूं। टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना। और क्या बताऊं बच्चों, ये हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। और एक चैप्टर है आपका, अगर टाइम एंड डिस्टेंस बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, उसको नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एसआई एंड सीआई पढ़ लेना बच्चों। मेंसुरेशन अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ लेना, नहीं तो डीआई जरूर पढ़ लेना। तो ये वो चैप्टर्स है जिनसे खुल के क्वेश्चंस बनाती है एसएससी, ठीक है, इन चैप्टर्स को तो जरूर कर लेना। और ये बुक से कर लो आप हमारी एसएससी जीडी वाली से, तो आपका भलाई हो जाएगा। ये वो चैप्टर है, ये वो क्रीम है जो एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनसे मेंसुरेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेंसुरेशन भी इतनी पूछी जाती है, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंसुरेशन से बच्चों सारे लोग नहीं कर पाते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फॉर्मूले कर जाना मेंसुरेशन के, फॉर्मूले पे सवाल, ठीक है, मेंसुरेशन में फॉर्मूले पे सवाल कर जाना बच्चों, सीधा सीधा अगर फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए तो वो बनाया, इतना कर लेना बस, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा इस चीजों से होगा। तो मैथ्स का डर अगर इन चैप्टर्स को आप रगड़ लो एक बार तो दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।